मेरी लाइफ का वो जो दौर था बहुत कंफ्यूजन भरा था। लेकिन हर कोई इस प्रैक्टिस को समझकर एक बेटर प्रैक्टिशनर या एक बेटर हेल्पर कैसे बन सकता है, यही मेक एंड ब्रेक पॉइंट होती है। सिंपैथी, कंपैशन, बाउंड्रीज। मेरी लाइफ में जितनी बुरी चीजें नहीं थी उससे ज्यादा मुझे बुरा फील होता था। वो 50 रीजंस ढूंढेंगे व्हाई दे आर फीलिंग व्हाट दे आर फीलिंग एंड यू आर क्रिएटिंग बिगेस्ट मिस्टेक। हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत है। थोड़ी दिनों पहले मेरी एनर्जी आल्केमिस्ट चल रही थी, तो उसमें एक एंड टुवर्ड्स द एंड मैं एक लेक्चर देती हूँ एम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन के ऊपर, जो ज़रूरी है एज अ हीलर सीखना हर इंसान को। और जब वो लेक्चर चल ही रही थी तो मुझे लगा कि ये सिर्फ हीलर्स को ही क्यों, सिर्फ लाइफ कोचेस को ही क्यों, ये बात तो सभी को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि हम ज़रूरी नहीं कि प्रोफेशनली हीलर का काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं प्रोफेशनली लाइफ कोच हो, लेकिन घर में कई एक बार रिश्ते निभाने में भी उन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। हम शायद अपने बच्चों के लिए लाइफ कोच का काम करते हैं, शायद अपने पार्टनर के लिए हीलर का काम कर बैठते हैं। तो आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेक्चर के का क्लिप है, सुनिएगा ज़रूर और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या डिफरेंस है सिंपथी, एम्पथी और कंपैशन में, और क्यों ज़रूरी है इसको समझना, बाउंड्रीज को समझना, कैसे इन चीजों को समझकर आप अपने लाइफ में बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आज की जो लेक्चर सीरीज है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझने में, जो बनाएगा आपको एक बेटर हीलर, जो आपको एक बेटर इंसान बनाने में हेल्प करेगा। इनफैक्ट लाइफ में भी अगर इन चीजों को समझ के आप अपनाएंगे तो आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा इमोशनल शिफ्ट मिला है। हर कोई प्रैक्टिस समझ सकता है, लेकिन हर कोई इस प्रैक्टिस को समझ कर एक बेटर प्रैक्टिशनर या एक बेटर हेल्पर कैसे बन सकता है, यही मेक एंड ब्रेक पॉइंट होती है। जैसे हर कोई 5 साल का MBBS करता है ना, हर कोई डॉक्टर बन जाता है, बट क्या हर डॉक्टर की डायग्नोसिस सेम होती है? नहीं। कोई डॉक्टर बहुत इजीली और बहुत अर्ली स्टेज में कोई भी बीमारी डायग्नोस कर पाता है, वही कोई डॉक्टर बहुत गलत दवाई दे के गलत इलाज भी कर देता है। सेम थिंग अप्लाई होती है अब जब लाइफ कोच बनते हो, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर बनते हो या किसी को गाइड करने वाले बनते हो, जब आप एनर्जी अल्केमिस्ट या एनर्जी हीलर बनते हो। बिकॉज थ्योरी सबको पता है, प्रैक्टिस सबको पता है, लेकिन क्या है वो डिफाइनिंग लाइन जहां आपकी हीलिंग प्रैक्टिस बेटर रिजल्ट देके जाएगी लोगों को, ये होती है आपके माइंड सेट में। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है एम्पथी, सिंपथी, कंपैशन, बाउंड्रीज। और आप जब डील करोगे वल्नरेबल पीपल को, बिकॉज आप हीलर हो, आपके पास कोई बहुत खुशहाल इंसान नहीं आएगा, बिकॉज अगर वो खुश है अपनी लाइफ में, दे डोंट नीड यू। आपके पास वही लोग आएंगे जो इस वक्त परेशान है, जो वल्नरेबल है, जो जिन्हें हेल्प की जरूरत है। और वैसे इंसान को इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चाहिए, जब तक आप नहीं समझोगे यू वॉन्ट बी एबल टू प्रोवाइड हीलिंग एनर्जी टू देम। बिकॉज आप किस स्टेज पे हो वो डिटरमाइन कराएगा आपकी हीलिंग वर्क का रिजल्ट। तो आती हूँ इन टॉपिकों पे बात करने के लिए, और ये टॉपिक ये नहीं समझिए कि सिर्फ एनर्जी वर्कर्स के लिए है, ये टॉपिक आपको एज लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करके जाएगी। बिकॉज हम इस दुनिया में आते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत रूल्स रेगुलेशंस और इन चीज़ों के साथ डील करते हैं, है कि नहीं? लेकिन इन सारी टॉपिकों पर कोई क्लैरिटी से समझाता नहीं है, और फिर हम सोचते हैं कि why am I thinking, why am I feeling, why am I doing this, मेरे में क्या प्रॉब्लम है? बट प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम है कि इन सारी चीजों को जब आप बारीकी से समझते हो, और वो आप दुनिया भी समझा देती है, जब आप अवेयर होते हो तो समझ जाते हो, जब आप जागते हो अंदर से, जब आपका टीचर अंदर से जागता है तो आप समझना शुरू कर देते हो, लेकिन कई बार कुछ चीजें समझाने पर भी लोग समझ जाते हैं। तो आती हूँ सिंपथी, एम्पथी, कंपैशन, बाउंड्रीज, और स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद वल्नरेबल पीपल, हाउ विल यू डेवलप कनेक्शन, आप किस तरीके से डेवलप करोगे। तो जो हिंदी वर्ड में ढूंढने बैठी तो सिंपथी और एम्पथी का एक ही हिंदी वर्ड था, सहानुभूति, है ना? इनका एक डिफ्रेंसिएशन नहीं क्लियर हो पा रहा था हमारे लैंग्वेज में, कंपैशन का तो था करुणा, लेकिन सच्चाई ये है कि तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिंपथी होती है सहानुभूति, यू फील पिटी या फिर सहानुभूति हो जाती है आपको उसके लिए।
लेकिन एम्पैथी होती है समानुभूति, यानी आप उसके जैसा या उसके लेवल पे उतर के कुछ समझना चाह रहे हो, उसके जैसा फील करना चाह रहे हो। और फिर आता है करुणा, ठीक है। जनरली समानुभूति यानी एम्पैथी को बहुत बुरा नाम दिया गया है, स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस और इस एनर्जी हीलर के इसमें, कि इम्पैक्ट जो होते हैं दे टेक ऑन एनर्जी, है ना। अगर इम्पैथिक हैं आप बहुत ज्यादा, तो आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी कैरी करोगे अपने अंदर, जो कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के पास। अगर आप इम्पैथिक नहीं हो, आप हीलर नहीं बन सकते। आप अगर एम्पैथी नहीं प्रैक्टिस करते हो, आप बढ़िया लाइफ कोच नहीं बन सकते हो। बिकॉज आप अगर किसी को सिंपैथी दे रहे हो, यू आर एक्चुअली नॉट हेल्पिंग देम। अब बताते हैं सिंपैथी क्या होता है, एम्पैथी क्या। एग्जांपल देते हैं, सिंपैथी होता है कोई इंसान है बहुत बुरे समय से गुजर रहा है, और आप बोलते हो ओ बहुत बुरा हो रहा है ना तुम्हारे साथ, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी, कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो उसके साथ बुरा हो रहा है। एम्पैथी होता है कि अगर कोई इंसान बुरे समय से गुजर रहा है, तो उस बुरे समय से गुजरने वाले इंसान को और बुरा फील ना कराकर, उसके लेवल पे उतर कर उसे सिर्फ इतना बोलना, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बिकॉज सच्चाई तो यही है कि इस दुनिया में लोगों को पैसा नहीं चाहिए, लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, किसी फील बैड बिकॉज दे थिंक दे डोंट हैव समथिंग दैट विल मेक देम इक्वल टू देयर पीयर्स। उनको लगता है कि उनके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके कारण उनमें कमी है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं बुरे समय से गुजर रही थी, सच्चाई तो यह कि मैं उतनी दुखी नहीं थी, क्योंकि खाना मिल रहा था, घर था, सब स्वस्थ थे, लेकिन मेरा दुख बहुत स्ट्रोंग था बिकॉज मैं दुनिया के नजर में क्या थी, बेचारी। पीपल वर गिविंग मी सिंपथी नॉट एम्पथी, क्योंकि जब आप सिंपथी देते हो तो पिटी फील करोगे दूसरों के लिए, बुरा फील करोगे दूसरों के लिए, लेकिन दूसरों को अपने बराबर का नहीं समझो। एम्पैथिक लोग उनकी कमियों के बावजूद उनको अपने लेवल का समझता है, तो ही एक बेटर हीलर बन जाता है। और जब आप एम्पैथिक होगे तो कंपैशन अपने आप आएगा, क्योंकि कंपैशन जो है वो अपने आप डेवलप होता है। और कंपैशन में जनरली लोग को लगता है कि कंपैशनेट हैं आप तो आपको अपनी बाउंड्री नहीं सेट करनी, क्योंकि अगर आप कंपैशनेट हैं तो हाउ कैन यू सेट बाउंड्रीज। जबकि सच्चाई तो ये है कि जब आप सबसे ज्यादा कंपैशन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉपर बाउंड्रीज होगी, बिकॉज कंपैशन यहाँ से शुरू होती है। तो आप जब वल्नरेबल पीपल के साथ डील कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प करने जा रहे हो, आप जा रहे हो लाइफ कोच बनने, हीलर बनने के लिए, एंड यू डोंट हैव कंपैशन फॉर योरसेल्फ एंड यू आर नॉट क्रिएटिंग अ बाउंड्री अराउंड योरसेल्फ, देन आप अपने साथ डिसर्विस कर रहे हो, और वो डिसर्विस फिर आपके हीलिंग वर्क पे दिखना शुरू हो जाए। बिकॉज आपका एक प्रॉपर सेट ऑफ वैल्यूज होना चाहिए, व्हाट इज ओके व्हाट इज नॉट ओके। और आपकी जो मैं कहती हूँ लोगों को कि अपना संविधान बनाओ, हर इंसान के पास खुद का संविधान होना चाहिए। आपके हिसाब से आपकी लाइफ के इमोशनल बैलेंस को क्रिएट करने के लिए व्हाट इज ओके व्हाट इज नॉट ओके। और जब आप कंपैशन खुद के साथ फील करोगे, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हुए, यू विल रेप्लिकेट द सेम फॉर अदर पर्सन। फिर आप दूसरों की बाउंड्री पे क्वेश्चंस नहीं करोगे, हाउ कैन दे डू दैट, यू विल रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज। दूसरे जब खुद के लिए कंपैशन फील करेंगे या खुद को चुनेंगे, तब आप उनको सेल्फिश का जजमेंट नहीं दोगे, बिकॉज यू आर चूजिंग योरसेल्फ फर्स्ट एज वेल। दिक्कत क्या होती है कि लोग कंपैशन के नाम पे इतना देने लगते हैं कि पीपल स्टार्ट टू वॉक ऑल ओवर देम, लोग उनके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, एंड देते 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 दे बिकम एम्प्टी, दे डोंट हैव समथिंग टू गिव। और फिर निकलती है स्नैपिंग, फिर निकलता है जजमेंट, फिर निकलता है गुस्सा, फिर निकलती है सारी नेगेटिव इमोशन, विच इज गोइंग टू हिंडर यू गाइज टू बिकम बेटर हीलर। आप लोग को समझना होगा, अगर कोई आपके पास आ रहा है और शेयर कर रहा है कुछ उसको, एंड यू आर गिविंग रिस्पॉन्स, बोल रहा है मेरी शादी में दिक्कत है, अरे चलो ये तो ठीक हो रहा है ना उसका, जो हम सभी करते हैं। हम सभी कोई इंसान जब बहुत बुरा फील कर रहा होता है, तो उसका मूड अच्छा करने के लिए या फिर उसको सिल्वर लाइनिंग दिखाने के लिए बोल देते हैं, अरे चलो इधर तो देखो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। एंड स्पेशली लाइफ कोचेज ये करते हैं, दे ट्राई टू डिमिनिश व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाई यू आर फीलिंग, विच इज अ डिससर्विस। और यही रीजन है कि आप
जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अजम्पशंस के कोचेस के पास जाते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करने लगते हो, यू लूज कनेक्शन, यू फील लोनली. और यही रीजन है कि मैं यहाँ सोल स्कूल बनाई, ताकि लोग जो कनेक्शन लूज कर रहे हैं एम्पथी से, वो कनेक्शन लूज करना बंद करें. बिकॉज सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में इंसान को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बराबर का दर्जा चाहिए. बट व्हेन वी फील समबडी हु इज लेस देन अस, वी गिव सिंपथी नॉट एम्पथी. अगर आप सिंपथी दे रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू गिव और ब्रिंग सब्सटेंशियल चेंज इन देयर लाइफ. जबकि आप अगर एम्पथी दे रहे हो, तो आप उनको बराबर का दर्जा देते हुए, उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हुए, वो हीलिंग पहुंचा सकते हैं जो डिजर्व करते हैं, जो उनको चाहिए. और कंपैशन अपने आप आता है. कंपैशन का एक बहुत अच्छा काम है जो लोग नहीं समझते. अगर आप कंपैशन खुद के साथ फील करते हो, और कंपैशन फील करने के लिए सबसे पहले जजमेंट को छोड़ना होता है, तो जब आप जजमेंट छोड़ते हो, और जजमेंट छोड़ना बहुत मुश्किल है, वी ऑल जज, ऑटोमेटिकली आ जाती है जजमेंट, बिकॉज शुरू से प्रैक्टिस किया है जजमेंट हमने. तो जब आप जजमेंट छोड़ते हो, धीरे धीरे छूटेगी, एक दिन में नहीं छूटेगी, बट ऑब्वियसली मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, यू हैव टू ब्रेन्स, तो आपको दोनों ब्रेन यूज करना पड़ेगा जजमेंट छोड़ने के लिए. तो जजमेंट जब आप दोनों ब्रेन यूज करते करते धीरे धीरे मंझे खिलाड़ी होने लगते हो, एंड व्हेन यू लूज जजमेंट, तो सबसे पता है रिलीफ क्या मिलती है आपको. रिलीफ मिल जाती है कि आप अब गेस वर्क नहीं कर रहे हो कि उसने वो जो इमोशन फील किया है वो सच्चाई है कि झूठ है. It's their emotion, it's valid in their head. हम अपनी लाइफ में लोगों को जज ही करना नहीं बंद करते. किसी ने बोल दिया बहुत दुख है, चल एक्टिंग करती रहती है. किसी ने बोल दिया मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ, इसका रोज का नाटक है. We give judgment to the people's feeling, या फिर उनको concession देने लगते हैं. अरे चलो ना, यहाँ इतनी अच्छी चीज है, ये देखो ना, which is good, which is our work as a law of attraction coach. कि लोगों के लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है ये दिखाना. बट यहीं पे डिफरेंस आती है टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, इज लोगों की इमोशन की रिस्पेक्ट करते हुए, व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाई दे आर फीलिंग को डिस्काउंट नहीं देते हुए, उनको उस चीज से बाहर निकालते हुए, उनको अपनी लाइफ में जो चीज अच्छी हो रही है उस पर ध्यान दिलाते हुए, उनको उनके गोल तक पहुंचाना, which is the work of a healer, जो law of attraction के coaches कभी नहीं दे सकते, because they don't allow you to talk, they don't allow you to feel, they ask you, don't discuss. अरे आपको discuss परिवार के साथ नहीं करना, आपको discuss अपने friends के साथ नहीं करना, but you are when in front of a coach, how will you not discuss? How will you not explain what you're feeling, why you're feeling? लेकिन मेरे पास बहुत सारे आते हैं पर्सनल सेशन में, बोलते हैं नहीं नहीं ये बात तो मैं आपके सामने भी नहीं करूंगी. मैंने कहा फिर मैं हील कैसे करूंगी? इफ आई डोंट नो आप किस लेवल पे हो, व्हाई यू आर फीलिंग दैट, मैं कैसे उस इमोशन स्केल में खुद को कनेक्ट करके आपको वो हीलिंग पहुंचाऊंगी. और यहाँ पे बाउंड्री बहुत काम करती है, बिकॉज आपकी बाउंड्री है. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप उसकी फीलिंग को घर लेके आ जाओ, बट आपको उनकी हेल्प करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर फीलिंग. आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो जब तक आपको सही में समझ में नहीं आएगा कि ये रियल प्रॉब्लम है. और ये हम बच्चों के साथ बहुत करते हैं. मम्मा आई एम नॉट फीलिंग वेल, चल तेरा तो रोज का जा रहा है खेल ले. मम्मा आई एम फीलिंग अनहैप्पी, क्या हो गया बेटा इतना घर में है, तुम्हारे पास टॉयज है, तुम्हारे पास बुक्स है, तुम्हारे पास कपड़े हैं, व्हाई यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी. बट हमें ये बंद करना होगा, दे आर नॉट हैप्पी एंड दे आर कमिंग एंड शेयरिंग बिकॉज दे आर लैकिंग कनेक्शन. और जब आप इम्पैथ होगे, जब आप एम्पैथेटिक सॉल्यूशंस दोगे लोगों को, दे फील कनेक्टेड, दे फील बिलोंगिंग, दे फील दे आर हर्ड, दे आर इमोशंस आर नॉट डिस्काउंटेड. और लोगों को कुछ और नहीं चाहिए. आप किसी की लाइफ बदलना चाहते हो ना, उसको एम्पैथिक रिस्पॉन्स देने लग जाओ, उसके पास सारे सॉल्यूशंस हैं, उस इंसान के पास सारे सॉल्यूशंस हैं. और जब आप कंपैशन फॉलो करोगे ना, तो जजमेंट अपने आप खत्म हो जाती है, बिकॉज यू आर कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ. तो आपने अगर कुछ गलतियां की होगी, हर इंसान करता है, क्या मैं पहले सिंपैथी नहीं देती थी लोगों को? बहुत देती थी. सिंपैथी के मारे अपना बैंक से पैसा निकाल निकाल के लोगों को देती थी, हेल्प करती थी. क्या लोगों की लाइफ बदली? नहीं. लेकिन जब मैं एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स देना शुरू की, व्हेन दे शेयर आई डोंट कम इनटू एक्शन मोड,
when they share, I don't become judgmental about their sharing. When they share, I don't feel pity, because मुझे लगता है कि ये इनके life का एक aspect है. They are doing well in other aspects of my life, of their life. जैसे मेरे life में पैसे का problem था. मेरे पास एक बहुत successful शादी थी. मेरे पास एक बहुत loving partner था. मेरे पास एक perfect health था. मेरे पास बच्चा था, एक बहुत सुखी और बहुत ही सपोर्टिव परिवार था. बट पीपल वर ओनली फोकस्ड ऑन माय वन फ्लॉ, दैट पैसा चला गया. एंड आई वाज गेटिंग सिंपैथेटिक रिस्पांस फ्रॉम ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर. एंड उस वक्त मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए थी. उस वक्त मुझे सिर्फ ये जानना था दैट आई एम स्टिल इक्वल देन यू, आई एम स्टिल इक्वल विथ यू. बट पीपल बाय गिविंग सिंपैथी मेड मी रियलाइज कि मेरे लाइफ में कुछ कम है. आई एम लेस देन देम. एंड व्हेन यू डू दैट, पीपल हील नहीं कर पाते. एंड दैट वाज द रीजन मैंने डिसकनेक्ट किया लोगों से. दैट वाज द रीजन जब अब्राहम हिक्स आई मेरी लाइफ में एंड शी मेड मी रियलाइज. और जब आप मेडिटेशन करते हो, चक्रा वर्क करते हो, यू गेन ऑल दोस इनसाइट्स एंड नॉलेज. आपका टीचर जागता है. एंड देन आई डिसकनेक्टेड, आई स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग विद पीपल हु वर गिविंग मी सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेस. You want, if you actually want to help somebody, उसको equal समझना शुरू कर दो. वो अपने आप heal होना शुरू हो जाता है. People बेचारी बना बना के healing पहुंचने नहीं देते हैं लोग. सच्चाई ये है कि specially health condition लोग अपनी heal नहीं कर पाते, जबकि हर एक scripture में बोला गया है you can heal anything. It's because उनकी family members उनको बार बार याद दिलाते हैं you have some kind of कमी. और जब आप बार बार किसी को इस चीज का एहसास दिलाओगे दैट यू आर नॉट इक्वल और यू हैव समथिंग लेस देन व्हाट अदर पीपल हैव, वो कभी भी हीलिंग तक नहीं पहुंच सकते. तो एज अ हीलर, एज अ लाइफ कोच, एज अ लाइट वर्कर और एज अ फैमिली मेंबर, एज अ ह्यूमन बीइंग, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एवरीवन फील इक्वल देन व्हाट वी आर. जब अपने बराबर का समझना शुरू कर दोगे ना, कोई बुरी एनर्जी नहीं अट्रैक्ट करोगे किसी की. जब अपने बराबर का समझना शुरू कर दोगे ना, तो कोई किसी की बुराई चीज देख के आप अट्रैक्ट नहीं करोगे अपने लाइफ में. जब आप अपने बराबर का समझना शुरू कर दोगे ना, तो आप ट्रू मायने में हीलिंग रिस्पॉन्सेस देना शुरू कर दोगे. जब तक आप उनकी लाइफ में कमियां देखोगे, जब तक आप उनको अपने से लेस देन समझोगे, जब तक आप समझोगे कि उनको कुछ फिक्स करने की जरूरत है, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी हेल्प टू देम. तो एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन जो है, ये तीनों में डिस्टिंग्विश करना जरूरी है. ऐसा नहीं बोलती हूँ कि सिंपैथी बुरी चीज है, लेकिन सिंपैथी के बाद एम्पैथी में अगर आप मूव इन नहीं कर रहे हो, तो यू आर डूइंग डिससर्विस टू दैट पर्सन. और सिंपैथी का सिंपल रिस्पॉन्स होता है एटलीस्ट यू हैव. कोई भी एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स एटलीस्ट से नहीं शुरू होता है. और यही रीजन है कि लोग कनेक्शन लूज करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. व्हेन आई वाज डीलिंग, जब नई शादी होती है, रिश्तों में आते हैं और रिश्ते मैनेज करना नहीं आता, बिकॉज हमें बचपन में कोई सिखाता ही नहीं रिश्ते कैसे मैनेज किए जाते हैं. शादी से पहले कोई इंडिया में फिनिशिंग स्कूल नहीं है हाउ टू बिहेव, व्हाई टू बिहेव एंड हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप, है ना. तो जब आप शादी करके जाते हो, यू नीड टू डील, आपको समझना पड़ता है कैसे बिहेव करना है. नाउ यू माँ बाप वहाँ नहीं है, वहाँ पे आपके भाई बहन नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट केमिस्ट्री कैसे समझना होगा. और उस वक्त जब आप डील करते हुए अपने माँ बाप को फोन करते हो, और मैं भी करती थी उस टाइम में जब मैं डील कर रही थी अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ससुराल वालों के साथ, तो ऑफकोर्स आउट ऑफ लव माँ बोलती थी. ऐसा नहीं है कि माँ बाप कोई बुरा चाहते हैं या परिवार वाले बुरा चाहते हैं या कोई आपको सिंपैथी दे रहा है तो वो बुरा इंसान है. बट आउट ऑफ कंसर्न दे डू दैट, प्लस उनके पास भी नॉलेज नहीं है इन चीजों, इसके लिए कर देते हैं. तो मुझे एटलीस्ट चलो ना, पति तो अच्छा है, ये रिस्पॉन्स मिलता था. एटलीस्ट चलो ना, ठीक से खा तो रही हो. एंड दिस एटलीस्ट चलो ना रिस्पॉन्स मेड मी लूज कनेक्शन विद माय मॉम. मेरे को फोन ही करने का मन नहीं करता. और फिर क्या होती थी, एटलीस्ट चलो ना के रिस्पॉन्स से आई यूज टू फाइंड मोर रीजंस How my life is pathetic to prove them. जब आप किसी को at least चलो ना का response दोगे, वो 50 reasons ढूंढेंगे why they are feeling, what they are feeling, and you are creating biggest mistake in their life. उनकी life का सबसे बड़ा disservice कर रहे हो, because उनका ध्यान अब what is going well पे नहीं है,
उनका ध्यान व्हाट इज गोइंग मोर बैड पे है, बिकॉज आपने तो उनके इमोशन को डिस्काउंट कर दिया. एटलीस्ट ये तो है तेरे पास. और लोग फिर सोचते हैं व्हाई आई एम नॉट चेंजिंग, बिकॉज आपको समझाना होगा व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाई दे आर फीलिंग इज वैलिड. अगर आप भी उनकी जगह होते तो वही फील करते, वही रिस्पॉन्स देते. बट देर इज अ लॉ वर्किंग इन द बैकग्राउंड, देर इज अ हीलिंग एनर्जी वर्किंग इन द बैकग्राउंड, और ये आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक आपको पहुंचना है. और वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी दिन तक ये सारी प्रैक्टिसेस करनी है. दिस इज द वर्क ऑफ ट्रू लाइट वर्क, दिस इज द वर्क ऑफ ट्रू फ्रेंड, दिस इज द वर्क ऑफ ट्रू फैमिली. बिकॉज दुनिया में सबसे बुरी फीलिंग होती है आपको किसी से कमतर महसूस कराना, और दुनिया में हर कोई इसी फीलिंग से बचने के लिए ज्यादा पैसा मैनिफेस्ट करना चाहता है, ज्यादा प्यार मैनिफेस्ट करना चाहता है, शादी मैनिफेस्ट करनी चाहती है. आज के डेट में हटा दो, शादी करना इंपॉर्टेंट नहीं है. आधे लोगों को मन ही नहीं करेगा शादी करने का, दे माइट डेट, बट समाज कहता है इतनी उम्र हो गया तेरी शादी नहीं हुई, जस्ट टू प्रूव देम कि हो गई भाई, मैं भी तुम्हारे बराबर आ गई, मैं भी उस इक्वल आ गई, किसी से भी शादी कर लेते. एंड एक जो क्रिटिकल एटमोसफियर में हम रहते हैं समाज के, इस क्रिटिकल एटमोसफियर में बुरा फील कराने से एक चीज और भी आती है, यू ट्राई एंड स्ट्राइव टू बिकम बेटर. बट एक सेफ स्पेस तो हर इंसान की लाइफ में होना चाहिए, एक ऐसा ट्राइब तो होना चाहिए ना जहाँ पे आपको कनेक्टेड फील कराए, एक ऐसा इंसान तो होना चाहिए ना जो आपको आपके फीलिंग के लिए गिल्टी फील ना करे. एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लाइट वर्कर्स यही कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस यही कर रहे हैं. तो आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बिकम दैट पर्सन. मेरे साथ भी हुआ था जब मैं आई, तो जब मैं देखी कुछ मैंने वीडियो बनाया, जैसे आप लोगों के साथ भी होगा, व्हेन यू ट्राई टू हेल्प पीपल, जब आप आओगे वीडियोस बनाओगे उसमें सॉल्यूशंस होगा, है ना, एंड नीचे कमेंट आएगा पर ये कैसे करे, एंड देन अभी तो वीडियो में बताया फिर नीचे क्यों पूछ रहा है ये, है ना. एंड आई यूज्ड टू फील अरे अभी तो बताया कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ठीक से, फिर से ये क्यों पूछ रहा है. बट वन लाइन गेव मी रिलीफ, जो आप लोगों को बता रही हूं, एंड दैट यू कैन यूज दैट वन लाइन फॉर एवरीवन, जजमेंट खत्म हो जाएगा. दे आर डूइंग द बेस्ट थिंग, उन अपनी लाइफ के जीवन के हिसाब से जितना बेस्ट हो सकता है वो कर रहे हैं. बिकॉज जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कोई इंसान इस सिचुएशन में इस तरीके से डील कर रहा है, दे आर डूइंग द बेस्ट दे कैन, हम जजमेंट खत्म कर देते हैं. फिर हम उनके लाइफ के चॉइसेस पे क्वेश्चन नहीं करते हैं, फिर अपने पति को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने पत्नी को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने बच्चों को रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते हैं, वी जस्ट लेट देम लिव. और जब आपको कोई लेट देम लिव करने देता है ना, तो हर एक इंसान को हीरो बनना बचपन से आता है, एंड दे बिकम हीरो. हम बचपन से लीड करने के लिए पैदा हुए, हम बचपन से सक्सेस पाने के लिए पैदा हुए हैं, हम बचपन से हीरो बनने के लिए पैदा हुए. बट जब हमें लेट देम लिव वाला एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, तो हम सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते, हम अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते. इसके लिए जब समाज ना दे, परिवार ना दे, तो एज अ हीलर, एज अ लाइफ कोच, आपको उन लोगों को समझाना होगा हाउ टू गैदर, हाउ टू बिकम, हाउ टू एक्सपीरियंस दोज इमोशंस. और यही रीजन है कि बहुत हीलर्स होंगे बट किसी की हीलिंग बहुत काम करेगी, किसी की हीलिंग काम नहीं करेगी, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंसिएशन बिटवीन सिंपथी, एम्पथी, कंपैशन एंड बाउंड्रीज. तो हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अगर किसी वनरेबल सिचुएशन से गुजर रहे हो, या आपका परिवार का के कोई लोग वनरेबल सिचुएशन से गुजर रहा हो, या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत टची है, अगर कोई आपको कमतर फील कराता है, स्टॉप. Because now you're creating boundaries. कोई आपको हर बार ये एहसास दिलाता है कि आप में कुछ कमी है, distance. ये नहीं कह रही हूँ कि आप compassion नहीं follow कर रहे हो,
आप डिस्टेंस करके कंपैशन खुद के लिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये बाउंड्रीज आपको बेटर फील कराएगी। बिकॉज हर इंसान को जीतना आता है, अगर कोई उसको ये ना बोले कि तुम में कुछ कमी है। और सच्चाई यही है, बताती हूँ आपको क्या, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। मीडिया में आई थी, घर से निकली थी, तो इंटर्नशिप का मीडिया की क्लासेस फिनिश हुई, पीजी कर रही थी मैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो मेरे जो एक मेरे नाना के जो भाई थे वो थोड़े दिन मीडिया में मतलब हीरो बनने आ गए थे पुराने जमाने में, तो ही एक्टेड इन फ्यू फिल्म्स। तो उनकी मीडिया में थोड़ी जान पहचान बहुत अच्छी थी, उनके जो कलीग्स थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, दे आर डूइंग वेल टीवी इंडस्ट्री में। तो जब मैं पटना में थी, मैंने बोला नाना मैं जा रही हूँ इंटर्नशिप करने के लिए मुंबई। बोला अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें, मेरा फ्रेंड है चांद, उनके बेटे का नंबर दे देता हूँ, ही विल प्लेस यू समवेयर, इंटर्नशिप बेटर करा देगा। तो मैंने कहा वेरी गुड, ये तो बढ़िया हो गया, मैं जाके मैं स्ट्रगल करती, मुझे तो पहले से मिल गया। मैं गई वहाँ पे एंड यही हुआ, उन्होंने मैं गई मिलने के लिए एंड मुझे डर ही नहीं था, कुछ पूछा कर मेरे नाना की फ्रेंड है, समझ रहे हो, देयर वाज नथिंग दैट वाज स्टॉपिंग मी कि मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा, किसी ने, मेरे फ्रेंड ने ऐसी मस्ती में, एंड आई वाज नाइव, मस्ती में बोल दिया था इंटर्नशिप में तो बहुत पैसा मिलता है, कम से कम 3,000 रुपए तो मिलने ही चाहिए, मिनिमम। तो मेरे दिमाग में घूर गया 3,000 तो मिलने ही चाहिए। सच्चाई तो ये थी कि मीडिया में कोई इंटर्नशिप के पैसे नहीं मिलते हैं, मीडिया में तो जॉब करने के भी पैसे ढंग से नहीं मिलते हैं, तो इंटर्नशिप के क्या मिलेंगे। हमारे टाइम की बात कर रही हूँ, अभी की पता नहीं क्या चल रही, मैं पुरानी बात कर रही हूँ। मैं आराम से तैयार होके गई, बैठी इंटरव्यू में एंड मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने किसी दूसरी कंपनी में बोल दिया था कि मेरे रिश्तेदार इंटरव्यू ले लेते, तो वहाँ गई। एंड आई स्टिल रिमेंबर बालिका वधु वाली, इफ यू गाइस नो बालिका वधु एक करके सीरियल आया था, तो उस कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था। एंड मैं वहाँ गई एंड उन्होंने बोला इंटर्नशिप कर लो, मैंने कहा, और मैंने बड़े पोलाइटली पूछ लिया और पैसे कितने मिलेंगे, वो भी लाइक द पर्सन वाज डूइंग द इंटरव्यू वो भी पीछे हो गया एंड बोला पैसे, हाँ ऑफ कोर्स, मैं फ्री में थोड़ी आऊंगी, इंटर्नशिप में पैसे तो मिलते ही है। एंड ही गेव मी 3,000 रुपीज और मैं आराम से इंटर्नशिप कर रही हूँ। उसके बाद 10 दिन बाद मेरी फ्रेंड आई जो पुणे में, मैं पुणे से पढ़ाई की, तो पुणे से मेरी फ्रेंड आई जो आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटर्नशिप कर रही थी, वो शॉक्ड हो गई ये जान के कि मुझे 3,000 रुपए मिल रहे हैं, उसको तो 0 मिल रहा है, कॉफी रन करना पड़ रहा है उसको, 10 लोगों के लिए कॉफी लेके आनी पड़ती है। तो वो आप लोगों को बता रही हूँ कि इफ यू गाइज डोंट पुट किंतु परंतु एंड डाउट इन योर माइंड, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। बट हम रुको जरा, संभल के ठीक से चलना, ये सारी चीजें करते हैं मैनिफेस्टेशन लोग कर। और सेम चीज करते हैं अपने परिवार वालों के साथ, सेम चीज करते हैं अपने घर वालों के साथ। तो एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन एंड बाउंड्रीज, इन चारों को आपको अपनी लाइफ में लाना है टू बिकम अ बेटर हीलर। सिंपैथी, ट्राई नॉट टू गिव एनीवन, बिकॉज सिंपैथी हर इंसान को कमतर फील कराता है, सिंपैथी हर इंसान को लेस देन अदर्स फील कराता है, एंड नोबडी वांट्स दैट। दुनिया में सबसे गंदी फीलिंग पता है क्या है? बेचारी बनना। और मैंने देखा है लोगों को, दे गिव भिखारी को कुछ पैसा, वीडियो निकाल रहे, देखो मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ, लो जाके कुछ खा लेना है। वो बंदा इतना गंदा फील कर रहा होगा उस वक्त कि दे आर हेल्पिंग नॉट बिकॉज दे आर फीलिंग माय पेन, दे आर हेल्पिंग बिकॉज दे आर फीलिंग पिटी ऑन। बट भिखारी को क्या, बेचारे को पैसा चाहिए, ले लेता चला जाता, दे आर नॉट कनेक्टेड। बट वी डू द सेम थिंग विद आवर फैमिली मेंबर्स, वी डू द सेम थिंग विद आवर लव्ड वंस, फ्रेंड्स। और जब आप बराबर का दर्जा नहीं दे सकते हो तो जरूरत नहीं है उनके साथ कम्युनिकेट करना। नोबडी इज लेस देन, कभी भी याद रख लेना, किसी की लाइफ का एक एस्पेक्ट हो सकता है बुरा है, तो आपके भी लाइफ का एक एस्पेक्ट होगा दर्दनाक। How can they less than you? How? मेरे लाइफ में पैसा नहीं था, लेकिन इतनी सारी अकॉम्प्लिशमेंट के बाद पीपल मेड मी फील दैट मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। और जो लोग मुझे ये फील करा रहे थे उनकी लाइफ के चारों एस्पेक्ट बुरे थे, है ना? हो सकता है वो पैसे के मामले में बहुत आगे थे लेकिन बाकी एस्पेक्ट में बहुत बुरे थे। बट डिड आई डू दैट? मैंने कहा ऐसे लोगों से डिस्टेंस करो, एंड देन मैंने अपना एक अलग ट्राइब बनाया, एंड देन आई स्टार्टेड विनिंग, बिकॉज वहां पर फिर मैं हीरो थी।
यही रीजन है कि आप लोगों को भी बोलती हूँ कि अगर कोई आपको बुरा फील करा रहा है दिन रात, इट्स कॉल्ड टॉक्सिसिटी। और अनफॉर्चुनेटली टॉक्सिक लाइफ कोचेस भी हैं जो आपको बहुत बुरा फील करा रहे हैं। एक वीडियो क्लिप मैंने देखी थी, किसी बंदे को बोला गया स्टेज पे आओ, आप लोगों के साथ मैंने ग्रुप में शेयर किया था वो क्लिप, कितना टॉक्सिक था। एक लाइफ कोच एंड इज अ वेरी रिनाउंड लाइफ कोच इंडिया का, वो स्टेज पे खड़ा था और एक बंदे को बोला स्टेज पे आओ, बेचारे को उठ के आने में टाइम लग गया। तो बोलते जब तेरे को सीट से उठ के यहाँ आने में इतना टाइम लग रहा है तो लाइफ में क्या करेगा। इज दिस हाउ यू आर हेल्पिंग पीपल बाय मेकिंग देम फील वर्स्ट? आप अपने ईगो को इतना खाना खिलाते हो कि ईगो आपको दूसरों के लेवल पे फील करना बंद करा देते हैं, एंड देन दे लूज कनेक्शन। क्या आपको मन करेगा जो आपको दिन रात बुरा फील करा रहा है उसके साथ बैठ के बात करने की? नहीं करेगा। बट हम ये दूसरों के साथ करते हैं, और ऐसा नहीं है यहाँ पर ये मैं संत महात्मा नहीं बन रही, आई यूज टू डू ऑल दैट जो भी मैं यहाँ बोल रही हूँ, और उन्हीं गलतियों से सीखी। सो देयर इज ऑलवेज अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। इफ यू कांट गिव एम्पैथी, डोंट गिव सिंपैथी टू एनीवन, लेट देम बी। और जब आप किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, स्पेशली वल्नरेबल पीपल के साथ डील कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर डूइंग देयर बेस्ट, और उनके बेस्ट से उनको हीरो कैसे बनाना है, दैट इज योर जॉब। होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प करे समझने में एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन और बाउंड्री। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है। हम सभी डिसेबल्ड लोगों से साथ बहुत करुणा करते हैं, सिंपैथी लगती है कि नहीं लगती किसी भी डिसेबल्ड लोग को देख के? समाज में सारे लोग डिसेबल्ड के लिए एक बहुत सिंपैथेटिक अप्रोच रखते हैं, बेचारा तो मुंह से निकल ही जाता है। एक अलग स्कूल बना देते हैं उनके पढ़ने के लिए ताकि उनको पढ़ना तो है ना, डिसेबल्ड हैं तो उनके लिए एक रहने का अलग जगह होना चाहिए। चूँकि हम सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं डिसेबल्ड लोगों को, अगर हम एम्पैथी का काम करेंगे तो हम उसे बेचारा नहीं समझेंगे, उनको डिफरेंटली एबल्ड समझेंगे। और फिर समाज में किस तरीके से वो बिना किसी के सहारा के इंटीग्रेट करके रह सके उसका इंतजाम करेंगे। शायद ट्रैफिक में ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे हम अपनी गाड़ी रोकना शुरू कर देंगे, हमारे जो रेड लाइट हो वहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए प्रॉपर सिग्नल हो जिसको दबाने के बाद सारी गाड़ियाँ रुक जाए, हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में अलग स्कूल नहीं होना चाहिए वैसे लोगों का, सेम स्कूल में प्रॉपरली साथ में सारे बच्चों के साथ उनको सिखाना चाहिए ताकि उन्हें भी लगे कि वो समाज के ही पार्ट हैं, क्योंकि उनको किसी एक चीज़ में कुछ कमी दे दी है डजंट मीन कि उनमें कुछ कमी है। आज मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में पढ़ती है और मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि उसके स्कूल में डिफरेंटली एबल्ड लोग भी साथ ही में पढ़ते हैं। मेरी बेटी को साइन लैंग्वेज सीखना कंपल्सरी था क्योंकि वो अपने बाकी पीयर्स के साथ बात कैसे करती। इसके स्कूल में इसलिए नहीं छांटा जाता है कि आप शायद सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते या डिफरेंटली एबल्ड हैं, हर किसी को वेलकम किया जाता है। और वहाँ के जो फुल्ली एबल्ड लोग हैं समाज के हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता है उन लोगों को भी शामिल करने के लिए। ये होती है ट्रू एम्पैथी। और हम कई बार सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स दे देते हैं अपने लव्ड वंस को, अपने आसपास के लोगों को, मैं भी कर बैठती थी, लेकिन अब कोशिश करती हूँ कि उनके लेवल पे आकर उनके दर्द को समझकर, उसको उनको उनकी उनकी कंडीशन को समझकर फिर रिस्पॉन्ड करूँ। और सच्चाई तो यही है, मैं बार बार बोलती हूँ, बराबर का दर्जा देना चाहिए हर इंसान को। जब आप सबको एक बराबर समझोगे ना, किसी को ना आपसे ऊपर ना अपने से नीचे, दुनिया बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो मेरे सोल स्कूल के मेंबर्स, आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करके मेरी बस एक अनुरोध है कि जितना हो सके सिंपैथी को थोड़ा साइड करते हैं, एम्पैथी के साथ जीने की कोशिश करते हैं, बाउंड्री और कंपैशन ज़रूरी है साथ में लगाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।